दूसरों की कारीगरी जब हुनर बन जाए तो ये किसी पहचान की मोहताज नहीं रहती। उन्नाव की जरी जरदोजी उनमें से एक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इस हस्तशिल्प को उन्नाव जिले से चुना गया है, जिसके तहत आज उन्नाव के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में उन्नाव में तैयार हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही जरी जरदोजी के शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए व्यापारियों ने भी शिरकत की, ताकि उनका उत्पाद सही मूल्य पर बेचा जा सके। एक जनपद एक उत्पाद के तहत उन्नाव को जरी जरदोजी के लिए चुना गया था। उन्नाव में तकरीबन 12,000 से अधिक शिल्पकार जरी जरदोजी के काम में लगे हुए थे। उन्नाव की कपड़ों पर कढ़ाई की ओर देश में वाहवाही मिलती थी, लेकिन इस कारोबार से जुड़े परिवारों को अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। उन्नाव में आयोजित प्रदर्शनी के जरिए जिला प्रशासन ने लोगों को भी कार्यक्रम से जोड़। उन्नाव में जरी दर्जोजी के कारोबार को बढ़ाने के लिए मियागंज आसीवन समेत जनपद के कई इलाकों के शिल्पकारों को उत्पाद बनाने और उसे सही मूल्य पर बिक्री के लिए क्लस्टर समूह का निर्माण किया गया है। साथ ही जनपद के शिल्पकारों को टूल किट भी मुहैया कराई गई है। जनपद उन्नाव से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सीएफसी बना हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से बना है और बनके बिल्कुल रेडी है। मशीनें आने को हैं, उसका टेंडर हो चुका है और जब वो मशीनें लग जाएंगी तो उसमें उनको जॉब वर्क मिलेगा सारे हर शिल्पियों को। और जब जॉब वर्क मिलेगा तो उनकी मजदूरी बढ़ेगी, और जब एक आदमी जॉब करेगा उसमें सीएफसी में तो वो 10 लोगों को रोज़गार और देगा, जाकर के अपने उद्योग खोलेगा। इसी तरह से मियांगंज में जो बन रहा है वो भी रॉ मटेरियल बैंक और डिज़ाइन बैंक बन रहा है। तो एक एक व्यक्ति से केवल रॉ मटेरियल बैंक या डिज़ाइन बैंक नहीं बनेगा, उसमें हज़ारों कारीगर लगेंगे और हज़ारों हर शिल्पी लगेंगे, तो उनको बहुत बड़े पैमाने पर एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा अवसर मिलेगा। कच्चा जो माल है अक्सर होता है, तभी लखनऊ के चिकन के कारीगरी का काम करने वाले लोग कच्चा माल लेकर के घरों घरों में पहुंचा देते थे। हाँ। और फिर उनको महज 35 रुपए 40 रुपए का रोज दे करके इस तरह से वो अपना जॉब वर्क करा लिया करते थे। तो ऐसे में अब किस तरह से सरकार काम करेगी कि ये निगरानी रखे कि जो कच्चा माल है उन्हें सुलभ हो सके? ये काम जो है सीएफसी के माध्यम से ही होगा। सीएफसी को बनाया ही इसलिए जा रहा है, सुविधा साझा सुविधा केंद्र, जिसमें कि बहुत सारे हर शिल्पी मिलकर जब कार्य करेंगे तो जो और बिचौलियों की भूमिका थी कि छोटे कारीगरों से माल लेकर के बाज़ार में डायरेक्ट सेल कर देते थे, वो चीज़ नहीं होगी। बिचौलियों को हटा करके डायरेक्ट जो है कच्चा माल उठाएंगे और डायरेक्ट वो बनाएंगे, बनाने की भी टेस्टिंग लैब भी होगी, मटेरियल भी उनको मिलेगा और फिर मार्केटिंग का पैकेजिंग का पूरी व्यवस्था है उसमें सीएफसी में। इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ODOP योजना का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है और माननीय मुख्यमंत्री की जो ये मंशा है हम लोग उसको करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। भारत देश में उन्नाव ही नहीं, जितने भी हमारे जनपद रहे हैं वहाँ पर तमाम प्रकार की कलाएँ, तमाम प्रकार की इस प्रकार के काम बरसों से प्रचलित रहे, हमारी परंपराओं में रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोगों ने उनको सीखा है, जाना है, उन पर काम भी किया है। उन्नाव में जरी दर्दोजी विशेष करके इस महत्व का काम है कि हर प्रत्येक व्यक्ति को जनरेशन से ये काम मिला है और उसके माध्यम से व्यापार बरसों से चला है। शायद हमारी संस्कृति में, हमारे विचारों में, परंपराओं में इन चीज़ों का अभाव रहा, आज वो शून्यता की ओर चला गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से अभियान चलाया और जिस प्रकार से अलीगढ़ के ताले और तमाम जगह के कहीं का पीतल कहीं के लकड़ी का काम ये विलुप्त होता जा रहा था, उनको पुनः जीवंत करके मुख्य धारा में लाया गया। आज समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी कौशल विकास के माध्यम से ट्रेंड हो सकता है, उसको जिला उद्योग केंद्र की तमाम योजनाओं से लाभान्वित करके उसका उद्योग लगाया जा सकता है और वो अपनी ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया में अपने माल को बेच सकता है, इसी व्यवस्था की। NRLM के माध्यम से जो हमारी और MSME ये योजनाएँ इस माध्यम से बनाई गई हैं कि जो हमारा यहाँ पर जरी दर्जोजी का, सिलाई कढ़ाई का और भी जो काम करने वाले लोग हैं जो ठेके पे काम करते हैं वो स्वयं अपना माल आगे जाकर बेच सके, उनको ब्रांड मिल सके, उनको नाम मिल सके, इस दृष्टि से ये काम किया जा रहा है। रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, उनको एक ब्रांड बनाना, उनको मार्केट दिखाना और सिर्फ यहाँ की मार्केट, लखनऊ की मार्केट तक ही सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर और यहाँ तक कि हमारे उन्नाव के। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने